जी संदीप जी, अभी तो हम आगे और इसका डीएनए और देखेंगे, पोस्टमार्टम करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम देखें एक बार फिर से, ये वाली स्लाइड पर जाते हैं, डीएनए मैचिंग। ठीक है, डीएनए मिला रहे ना, केतु केतु दूसरे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, अगेन उत्तराषाढ़ ही नक्षत्र में, और ये डीएनए, केतु डीएनए को डिनोट करता है। केतु जो दूसरा भाव है जहां पे केतु और चंद्र स्थित है, ये हमारी वाणी का भाव है, हम जो बोलते हैं उसका भाव है, और ये बैठ करके डीएनए मैच कर रहे हैं केतु। देखिए, अभी तो हम और पोस्टमार्टम करेंगे इसका। अब हम देखते हैं थोड़ा कुछ जो मीडिया में जो है, ताकि कोई ये ना बोले भाई कि हम अपनी जो विचारधारा है उसको थोप रहे हैं। वेदों में गोमांस खाने और गोकशी की अनुमति है, आरएसएस मुखपत्र में कहा गया है। 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाए युवा, जागरण की न्यूज है। इसके आगे हम इसका कारण देखेंगे फिर, इसलिए मैं पहले ये पॉइंट्स रख रही हूँ। बीफ एक्सपोर्ट फ्लरिशिंग अंडर पीएम मोदीज वॉच, सेज कर्नाटका मिनिस्टर। ये पीटीआई का की न्यूज है। फिर मोहन भागवत जी का एक उनका भाषण है, एक वक्तव्य है, खुद को सांस्कृतिक मार्क्सवादी कहने वाले ये लोग नहीं चाहते कि भारत अपने दम पर खड़ा हो। वे 1920 के दशक से मार्क्स को भूल गए हैं, कि हर उस व्यक्ति का विरोध करते हैं जो निस्वार्थ बुद्धि से काम कर रहे हैं, चाहे वे संघी हो या कम्युनिस्ट। ये उन्होंने दशहरे के उसमें कार्यक्रम में कहा था। हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों, इमाम हिंद राम, राम जी को इन्होंने, ये महापुरुष मानते हैं ना राम जी को, ये राम जी को भगवान तो मानते नहीं है, इमाम हिंद, और ये कोई इंद्रेश कुमार जी को बुलाया गया था इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो हम देखते हैं धर्म और गुरु इस टॉपिक पे थोड़ा हम देखते हैं। तो दशमी तिथि जिस दिन स्थापना हुई थी आरएसएस, ठीक है, हर तिथि जो होती है, हर तिथि में जिस जिस कुं, जो कुंडली बनी होती है उसके लिए कोई ना कोई दग्ध राशियां होती हैं। तो दशमी तिथि के लिए दग्ध राशियां दो हैं, एक है सिंह राशि और दूसरी है ये वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि कुछ एक और एक्सेप्शन का रूल है कि जब त्रिक भाव होते हैं, तृतीय भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, तो यहाँ पे दग्ध राशियां आती है, तो इतना वो बुरा फल नहीं दे, तो हम इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए द्वादश भाव पर। हाँ, ये तो त्रिकोणीय भाव है, नवम भाव, जहां पे सिंह राशि आ रही, तो सिंह राशि जो है ये दग्ध राशि हो गई इस कुंडली के लिए, दशमी, क्योंकि दशमी तिथि के दिन स्थापना हुई थी। अच्छा, सिंह राशि नवम भाव में आ गई। नवम भाव होता है धर्म का भाव, नवम भाव होता है हायर एजुकेशन का भाव, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल की जो जो उच्च शिक्षा होती है उसका भाव, यूनिवर्सिटी का भाव, ये सब होते हैं। गुरु का भाव होता है नवम भाव। ये हो गई दग्ध। दग्ध का मतलब होता है कि वो चीज खत्म हो गई, वो उस चीज का बल, जैसे जल गई कोई चीज, खत्म हो गई, जलना। दग्ध का अर्थ संस्कृत अर्थ होता है, अर्थ होता है जला हुआ या पीड़ा देने वाला। तो देखिए, वो नवम भाव है सिंह राशि, ये दग्ध हो गया है इस कुंडली में, मतलब ये लोगों को जो इनकी जो जो धर्म की जो सोच है, गुरुओं के प्रति जो इनका आचरण है, वो लोगों को पीड़ा देने वाला है। हालांकि गुरु की दृष्टि आ रही है यहाँ पे, हम गुरु के बारे में, पर वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है इस केस में। तो एक तो ये दिख रहा है हमें यहाँ पे कि धर्म के प्रति कितना, क्या इनका आचरण है, वो तो आप और इसके इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये दग्ध हो चुका है, पीड़ा देने वाला है लोगों को। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट चीज, हमने पुष्य नक्षत्र के बारे में पिछली बार बताया था इस संदर्भ में, कि जब हम गौ हत्या का जो पाप लगा है सबके ऊपर कोविड वैक्सीन के समय, तो उसको कैसे उतारना चाहिए, इसके बारे में पुरी के शंकराचार्य जी ने बताया था, तब हमने बताया था पुष्य नक्षत्र के बारे में। अगर आपने वो वाला एपिसोड देखा है तो आपको याद होगा। ठीक है, पुष्य नक्षत्र फिर से बता देते हैं। राहु जो है वो यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में स्थित है। राहु पुष्य नक्षत्र में दूसरे के दूसरे चरण में, पुष्य नक्षत्र का जो दूसरा चरण होता है वो
कन्या राशि कन्या नवमांश में पड़ता है। तो पुष्य नक्षत्र राहु दूसरे चरण में कन्या नवमांश में पुष्य नक्षत्र में स्थित है, और पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शनि देव होते हैं, और इसके जो अधिष्ठाता देव होते हैं ये देव गुरु बृहस्पति होते हैं, ध्यान देने वाले। और वहां पे राहु बैठ गया है, ठीक है। और आकाश में, अच्छा, पुष्य नक्षत्र का संबंध गाय से है क्योंकि इसका आकाश में जो पुष्य नक्षत्र का जो तारा मंडल है उसका जो 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 चिन्ह जो आकृति बनती है आकाश में वो गाय के थनों के समान बनती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में दिया गया है। इसलिए पुष्य नक्षत्र को गाय के थनों से भी देखा जाता है। पुष्य जैसे नाम है पोषण करना, ठीक है, तो ये बहुत ही पोषण करने वाला, अगर ये पीड़ित ना हो ये नक्षत्र तो ये पोषण देने वाला नक्षत्र होता है। अच्छे शिक्षक का, क्योंकि बृहस्पति का यहाँ पे अधिष्ठाता देव है वो, तो बृहस्पति का के भी गुण आते हैं, तो ये बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, प्रेरक वक्ता हो सकते हैं, गोवंश के रक्षक हो सकते हैं, पारंपरिक तरीके से सोचने वाले हो सकते हैं, वेद और सनातन शास्त्रों में रुचि रखते हैं, शास्त्रीय संगीत आदि के गुणों को बताता है ये, जो ये नक्षत्र है। पर यहाँ पे क्या स्थित हो गया है, राहु आ गया है इस कुंडली में। तो अब हम अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं कि राहु इस नक्षत्र में किसको और कौन सी बातों को पोषण देगा। ये खराब कर रहा है इस नक्षत्र के जो गुण है, कारकत्व है, पूरा पोषण के गुण जिस तरह से और जिनको पोषण देना चाहिए उनको ना दे करके जो राहु के जो गुण है ये उन तत्वों का पोषण कर रहा है। इसके साथ ही जो मंगल और बुध भी जो है, यदि हम देखें यहाँ पे मंगल और बुध स्थित है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का भी संबंध गौ से होता है, ये भी गौ माता, गौ योनि क्या है, मेल काऊ का है, मेल काऊ या बैल। तो तीन तीन ग्रह जो हैं वो इस कुंडली में गौ वंश के नक्षत्रों में स्थित हैं। और हमने देखा कि मंगल और बुध दोनों ही, उनकी क्या स्थिति है, हमने अभी डिस्कस किया था उसके बारे में। तो मंगल और बुध अच्छा घोर शत्रु भी हैं आपस में, और इन पर भी केतु क्या क्या चीजें, कई चीजें बताता है। एक तो वो कोई धारदार हथियार बताता है, अटैक करना बताता है, ब्लॉक करना बताता है। तो मंगल और बुध भी गौ माता के से संबंधित नक्षत्र में है, राहु भी गौवंश से संबंधित नक्षत्र में है, और ये सारे के सारे पीड़ित कर रहे हैं गौ माता से। गौ माता के प्रति इनका शुद्ध भाव नहीं है, ये कह सकते हैं जी। तो देखिए बीफ का वो जो मैंने यहाँ पे ये किया था ना, तो बीफ के ये बड़े हैं, बीफ खा सकते हैं, जो इनके वक्तव्य हैं वो उसी ओर इशारा करते हैं। बीफ एक्सपोर्ट फ्लरिशिंग, कई मुख पत्र में छपा है कि बीफ खाने के बारे में, शास्त्रों में ऐसे बीफ नहीं खाने के बारे में दिया गया है। तो वो सारी चीजें जो है वो उस ओर इशारा करती हैं। ये वेदों में गोमांस खाने के और गोकशी की अनुमति है। और राम माधव ने स्पष्ट कहा है कि बीफ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और संघियों की पहली बहुमत सरकार आई है जहां बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 2 पहुंच गया है। उन्होंने अपनी बहुमत का उपयोग बीफ बढ़ाने में किया है, वो तो दिख रहा है। और गुरुओं के प्रति इनका कैसा आचरण है, बिल्कुल लेच्छगत आचरण है। गुरु के प्रति तो इनका शंकराचार्य की तो पीठ के खिलाफ नकली शंकराचार्य ही सबसे पहले इन्होंने ही पैदा किया था, वासुदेवानंद सरस्वती को। तो गुरु पीठ के प्रति तो इनका निरादर हमेशा रहा है।